नमस्कार, मैं अमरदीप सिंह, आप देख रहे हैं प्रवेश साक्षी। हम इस वक्त एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जो देश से जुड़े हुए मुद्दे की है। हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए हैं जो इस समय एयरसेल के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे और इनकी तरह इनका नुकसान जो हुआ है उसके बारे में हम एक रिपोर्ट लेकर आए हैं अपनी। इनका कहना यह है कि एयरसेल 12 तारीख को लगभग रात के 9-8 बजे उसके सिग्नल बंद कर दिए गए, 12 फरवरी को उसके सिग्नल बंद कर दिए गए और उस सिग्नल को इनको कोई उसकी सूचना नहीं दी गई और इनका जो नुकसान हुआ है उस पर ये किसके कंप्लेंट करेंगे? एयरसेल के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, इनका कोई जवाब नहीं दे रहा। वो ये कह रहे हैं कि हम दिवाली घोषित हो चुके हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आइए हम इस चीज के लिए इन लोगों से बात करते हैं। एयरसेल 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 आनंद कृष्णम आनंद कृष्णम आनंद कृष्णम। आप किस चीज को लेकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं? एयरसेल को लेकर। हम एयरसेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा कम से दिल्ली के एक्चुअली हम यहाँ पर सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एयरसेल के, एयरसेल ने 12 फरवरी को हम लोगों को बिना बताए अपना सारा का सारा सिस्टम डाउन कर दिया। हमारी लाखों की संपत्ति, लाखों का रिचार्ज, लाखों का स्टॉक इसके अंदर फंसा हुआ है। हम एयरसेल के एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ धंधा करते थे, हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने हम सबके ऊपर प्रेशर कर अपनी बिलिंग का टारगेट पूरा कर लिया और लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको किसी के सहारे हमारे को बिना कुछ बताए अपनी सारी कंपनी के सिस्टम डाउन करके उसको बंद कर दिया। अब हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि हमारे स्टॉक का क्या होगा, इसको कोई बताने को तैयार नहीं है। हम पूरी दिल्ली के 140 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो 1900 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 1900 डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम से कम 10-10 लड़के हमारे पास सेल्स वाले जो थे, वो जो काम करते थे। हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 400 से 500 रिटेलर थे जो हमारे से जुड़े हुए थे। सब बेरोजगार आ गए, हो गए, सड़क के ऊपर आ गए। हम अपने परिवार के साथ सड़क पे आ गए। हमारी खून पसीने की कमाई जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उसको दिलाने के लिए ना ही तो सरकार हमारी मदद कर रही है, ना ही कोई मदद कर रहा है। हम कहीं भी कभी धक्के खा रहे हैं, कभी किसी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी किसी वकील के पास जा रहे हैं, कभी किसी टेलीकॉम मिनिस्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी कभी हम NCLT के पास जा रहे हैं, कभी हम ट्राई के पास जा रहे हैं। आज हम इन सब के पास अपनी गुजारिश लेकर गए लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। तो आज हम इंडिया गेट पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, धरना देने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई सुनवाई करे। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20-25-25-30-30 करोड़ का है। हमारे पास यहाँ पे ये राजस्थान से मेरे भाई आए हुए हैं, इनके पास 1 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब बताइए 1 करोड़ रुपए का स्टॉक का ये क्या करेंगे कंपनी ने? तो आप अपने बात के लिए कहीं और गए नहीं, अपने किसी से बात नहीं करी? पीएमओ को मेल डाल चुके हैं, पीएमओ से भी कोई रिप्लाई नहीं। जाना था, हम जा चुके हैं, बाकी मार्केट में वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई सुनवाई सुनने को कोई तैयार नहीं। देखिए मैडम, 2 तारीख को हमने गाजियाबाद डीएम के यहाँ पे धरना दिया था, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप इसमें मध्यस्थता करें और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं जल्दी से जल्दी ठोस कार्रवाई करके इनका पैसा दिलवाने की कोशिश करें। इन्होंने अपना दिल्ली का सर्कल ऑफिस बंद कर दिया है और जब कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी हमें बेहद अभद्र व्यवहार हमारे साथ करती है, तमीज़ से पेश नहीं आती है। ना ही कोई हमें अभी तक आश्वासन मिला है, ना ही किसी ने अभी तक कोई मध्यस्थता कराई है। हमारे में से कुछ ऐसे भाई भी है जिनके 65 साल के पिताजी रिटायर हुए, उन्होंने अपने बच्चों को पैसे दिए और वो पूंजी डूब गई है। अब तो ना वो नौकरी, मतलब कि आप लोगों को अभी तक से कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली कि आप लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? एयरसेल ने अचानक ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, रोजगार भी नहीं हमारे पास। नहीं मैडम, एयरसेल एयरसेल एयरसेल।